क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के सबसे धाकड़ बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग के लिए आज का दिन खास है। आज ही के दिन सहवाग ने अपने टेस्ट क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी। वीरू के निकनेम से फेमस सहवाग ने 3 नवंबर 2001 को पहली बार टेस्ट कैप पहनी थी। सहवाग के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज की परिभाषा बदल कर रख दी थी। टेस्ट विकेट में 2 तिहरे शतक लगाने वाले सहवाग आज भी इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं। टेस्ट मैचों में आने से पहले सहवाग वनडे मैचों में अपनी प्रतिभा की झलक दिखा चुके हैं। क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर के क्लोन की परिभाषा से बाहर आकर उन्होंने अपनी खुद की पहचान गढ़ी। हाथों और कानों के समन्वय की बदौलत दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को धूल चटाने वाले सहवाग अपना पहला टेस्ट खेलने से करीब 14 महीने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ 69 गेंदों पर शतक जड़ चुके हैं। इसी पारी की बदौलत उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत करने का मौका मिला था। सहवाग ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच को भी खास बना दिया था। इस टेस्ट मैच में 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सहवाग ने शतक बनाया था। उन्होंने 173 गेंदों पर 105 रन बनाए थे। सहवाग ने इस मैच में सचिन तेंदुलकर के साथ 220 रन जोड़े थे। हालांकि भारत ये मुकाबला 9 विकेट से हार गया था, लेकिन इसी मैच के बाद भारतीय टीम को एक नया सितारा मिल गया था।